हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनल जैन, आपकी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ और उनके रेस प्लान के ऊपर उन्हें पूछती हूँ कि सर आप कौन सा राइडर ऐड करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो अक्सर आई सी कि लोग कंफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस टाइप के राइडर्स हैं, क्यों हैं राइडर्स, क्या वो सच में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। शायद आप में से कई लोगों के भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके काफी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर राइडर्स क्या होते हैं। आप अगर एक कार या कोई व्हीकल खरीदने जाते हैं तो आप हमेशा चेक करते हैं इसके साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं ताकि वो हमारी नीड को कम्प्लीट करें। इसी तरह राइडर्स आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये दिखाते हैं या आपको एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं एक छोटे से एडिशनल कॉस्ट के ऊपर। पर राइडर्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही वैलिड होते हैं। हर एक राइडर एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए डिफाइन किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको एक फाइनेंशियल कवर मिलता है आपके बेस सम अश्योर्ड के ऊपर। चलिए देखते हैं कुछ राइडर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। वो है एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट। आप में से कई लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। आज देख लेते हैं हम कि इनको किस तरह से यूज किया जा सकता है। अगर मैं कंसिडर करूँ, पॉलिसी होल्डर 30 इयर्स ओल्ड है, उनका जो बच्चा है वो 2 साल का है और उन्होंने जो पॉलिसी ली है उसमें से उसका टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 20 साल का है एंड सम अश्योर्ड है 5 लाख का। एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट बहुत ही सिंपल है। इस केस में अगर एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फैमिली को एक एक्स्ट्रा असिस्टेंस मिलता है। दोस्तों, एक्सीडेंट आज के टाइम में थर्ड मेन रीजन है डेथ का। ये राइडर तभी एक्टिवेट होता है या तभी पे आउट मिलता है जब एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पॉलिसी टर्म है इतना बड़ा, उसमें इंश्योर 30 इयर्स है, चाइल्ड 2 इयर्स, 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और उसके ऊपर एक्सीडेंट डेथ राइडर लिया गया है 5 लाख का। ऐसे टाइम में अगर 5 साल बाद इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, मतलब एट द एज ऑफ 35, तो एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ होती है तो फैमिली को मिलता है 10 लाख रुपए, पर अगर यही डेथ नॉर्मल हुई होती तो उनको 5 लाख रुपए ही मिलता। तो आपके एक्सीडेंट डेथ राइडर लेने की वजह से आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलते हैं और अगर आपने ये राइडर नहीं लिया होता तो फैमिली को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते। अब देखते हैं हमारा दूसरा राइडर जो है एक्सीडेंट डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। नॉर्मली एक्सीडेंट से हर बार डेथ हो जरूरी नहीं है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिसेबिलिटी हो जाए। एक प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है। ऐसे केस पे ये पर्टिकुलर राइडर एक्टिवेट हो जाता है। डिसेबिलिटी मीन्स क्या, हाउ विल यू डिफाइन इट? ये 6 एक्टिविटीज जो मैंने नीचे लिस्ट की है, ड्रेसिंग, फीडिंग, वॉशिंग, टॉयलेटिंग, मोबिलिटी एंड ट्रांसफरिंग, इन 6 में से अगर कोई भी 4 एक्टिविटीज पॉलिसी होल्डर नहीं कर पाता है तो ये पर्टिकुलर राइडर के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। पॉलिसी होल्डर की एज है 30, चाइल्ड एज 2 इयर्स, सम अश्योर्ड 5 लाख और इन्होंने राइडर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर लिया है। 35 के एज में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। तो अब इसमें इनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? फर्स्ट बेनिफिट है कि आगे के कोई भी प्रीमियम उन्हें पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट मिलता है कि नेक्स्ट 10 ईयर तक उनको मंथली मेंटेनेंस मिलेगा। तीसरा बेनिफिट है अगर उनके पॉलिसी पे कोई सर्वाइवल बेनिफिट है तो वो भी मिलेगा। साथ ही साथ मैच्योरिटी होने पे मैच्योरिटी का अमाउंट और अगर मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम भी मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये पॉलिसी के अंतर्गत अपना ये राइडर ऐड करना है तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से तुरंत बात कीजिए और आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर भी आप ये राइडर ले सकते हैं। टर्म राइडर नॉर्मली इसको बहुत लाइटली लिया जाता है, बट ये बहुत बेनिफिशियल है। आपकी बेस सम अश्योर्ड चाहे 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, पर आप जब टर्म राइडर उस पर ऐड कर लेते हैं तो डेथ चाहे किसी भी रीजन से हो, फैमिली को पूरा अमाउंट मिलता है। जैसे कि इस केस में सम अश्योर्ड 5 लाख है, टर्म राइडर 5 लाख है और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो एक्सीडेंट के केस में तो 10 लाख मिलेंगे ही, पर नॉर्मल डेथ के केस में भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट राइडर है वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। 2016 में एक सर्कुलर निकला था
जिसके अंतर्गत 15 डिसीजेस के नाम मेंशन हैं। अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर को जिसने इस राइडर के लिए अप्लाई किया हुआ है उसको वो 15 में से किसी भी एक डिसीज का डायग्नोसिस होता है और वो 30 डेज सर्वाइव करता है तो ये राइडर एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंतर्गत उन्हें वो अमाउंट मिल जाती है एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पे। इसमें मिनिमम जो राइडर का अमाउंट है वो 1 लाख है और मैक्सिमम 25 लाख पर पर्सन। अगर कैंसर कवर का प्लान दिया गया है तो 50 लाख तक का राइडर मिल सकता है। अब जो लास्ट राइडर है लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत वो है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। इसके अंतर्गत अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी है जिसके कारण वो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा है तो और उसने ये राइडर ले रखा है तो उसके आगे के सारे फ्यूचर प्रीमियम्स इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और साथ ही साथ मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो भी उसे मिलता है, मतलब उसकी पॉलिसी बंद नहीं होती है। ये एक राइडर बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने बच्चे के नाम पे कोई पॉलिसी ली हुई है तो आप ये राइडर के लिए जरूर ऑप्ट कीजिए। इस केस में अगर प्रपोजर आप हैं जो कि 30 इयर्स के हैं, बच्चा 2 साल का है और डेथ हो जाती है 35 के एज में तो आगे के सारे प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और मैच्योरिटी पे पैसे भी मिलेंगे। पर डेथ ऑफ प्रपोजर तब बच्चे के 18 साल के होने से पहले होगी तो ही ये बेनिफिट मिल पाएगा। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है तो ये राइडर एक्टिवेट नहीं होगा दोस्तों। अब इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ राइडर्स हैं हॉस्पिटल कैश, क्रिटिकल इलनेस और साथ में पर्सनल एक्सीडेंट। तो हॉस्पिटल कैश के केस में ये आपको डेली कैश प्रोवाइड करता है अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं। आईसीयू फैसिलिटी के केस में आपको हायर क्लेम्स मिल सकते हैं। ये राइडर तभी एक्टिवेट होता है जब 24 आवर्स से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन है। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस कवर, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप कहीं से भी ये क्रिटिकल इलनेस कवर आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी देती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी देती है, तो आप कहीं से भी ये एक जगह से क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हैं। साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट राइडर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। ये राइडर कॉम्पेंसेशन देती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो भी ये राइडर वैलिड रहेगा। ये एक डबल इंडेमनिटी राइडर है जिसमें एडिशनल डेथ बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अब तीसरा आता है व्हीकल इंश्योरेंस राइडर। इसमें कुछ अलग अलग टाइप के राइडर्स हैं जो हम व्हीकल इंश्योरेंस कराते वक्त ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट है इंजन कवरेज। ये जो राइडर है ये आपके इंजन के जो डैमेज है उसको कवर करता है, चाहे वो वाटर सीपेज हो या गेयर बॉक्स का इशू हो, ऑयल लीकेज का, ये राइडर उसको कवर करता है। सेकेंड है जीरो डिफ्रेंसिएशन। क्या होता है कि हमारी जैसे से कार पुरानी होती जाती है, व्हीकल पुरानी होती जाती है, उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू आती है, पर अगर आपने ये कवर लिया है तो आपको जो क्लेम है वो आपके मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, ना कि डिप्रिसिएशन वैल्यू पे। तीसरा जो होता है रोड साइड असिस्टेंस एंड टोइंग। अगर ये आपको एक रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है व्हीकल टो के केस में, चेंज ऑफ टायर, जंप स्टार्ट द बैटरी और ये सारे केसेस के लिए। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के केस में, ये सेम है। नेक्स्ट है एम्बुलेंस एंड मेडिकल एक्सपेंस राइडर, जो है वो आपके एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 10,000 कवर करता है। तो ये सारे थे राइडर। अभी मोर इम्पॉर्टेंट है कि मैं कौन सा राइडर सिलेक्ट करूँ। तो आपको मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप उस इंश्योरेंस राइडर को सिलेक्ट कीजिए। पर एक राइडर, एक सही राइडर चूज करने से आपकी सारी डिफिकल्टी वक्त आने पे कवर हो सकती है दोस्तों। तो जो भी अपना डिसीजन ले राइडर के वक्त अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से डिस्कस कीजिए और फिर अपना सही डिसीजन लीजिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।